आपको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरी जरूर सुनिएगा ताकि आपकी टेंशन, घबराहट, हर तरह की बीमारी दूर हो सके, और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। अपने परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे स्वर्ग पिता, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हर एक जन को पिता परमेश्वर सुबह से लेके पिता परमेश्वर शाम तक संभाल के रखा है, जीवित रखा है पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर जो भी जो गुनाह गलती जो पाप हुआ है पिता परमेश्वर, अपराधों को गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, और हम सबों को पिता परमेश्वर हम सबों के दिल को धुलकर शुद्ध कर, भली भांति हम सबों के दिल को धुलकर शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर। तेरा ऊंचा कर है पिता परमेश्वर, तू पवित्र है, पवित्र तेरे सामने खड़े होने के योग्य है पिता परमेश्वर। तू पापियों से प्रेम करता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी जैसा तूने हम सबों से प्रेम किया उसी तरह हम सबों को भी पिता परमेश्वर अपना प्रेम सिखा, अपनी चाल सिखा पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लेने वाले नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि हमारे हाथ देने वाले बना पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू कहता है लेने देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। हाँ प्रभु जी हम सबों का ऐसा बना पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू महान है पिता परमेश्वर, तू दयालु है पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम का महिमा करे हर एक इंसान पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो, तो क्योंकि तू महिमा करने के योग्य है, प्रशंसा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई हो मेरा खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय गरीबी में है पिता परमेश्वर, दुख में है, चिंता में है, घबराहट में है पिता परमेश्वर, शोक में है पिता परमेश्वर, आपके समर्थित नाम से खुदावन यीशु मसीह, आपके जलाली नाम से सारी टेंशन, सारी घबराहट, सारा शोक पिता परमेश्वर आपके समर्थित नाम से खुदा ने सुमसी उनके जीवन से, उनके लाइफ से दूर हो सके। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस आमेन। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि जो तेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ प्रभु पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि हम सब विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाएं, बल्कि नर्क में नहीं जाएं, अनंत काल का जीवन पाएं। प्रभु ने हमसे बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, ऐसा प्रेम ना कोई दिया था ना देगा, ना ऐसा प्रेम संसार में होगा। परमेश्वर ने हमसे बहुत 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 प्रेम किया है, उसके सामने सारा प्रेम कम है, क्योंकि उसका प्रेम सबसे बड़ा है, उसका प्रेम सबसे बड़ा, वो बहुत प्रेम हम सबों से करता है, अपने भक्तों को वो हर एक संकट से निकालता है। संकट के दिन यहोवा को पुकारो, वो तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और अपने पवित्र स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रार्थना उनकी नहीं सुनी जाती है जो संदेह करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने यहोवा से प्रार्थना की है बल्कि वो मेरी सुनेगा या नहीं। ऐसा आपको नहीं कहना, प्रार्थना करते समय यहोवा से विनती प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान है। हे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो शाम को प्रभु जी सोता है उसे प्रभु जी गंदे ख्याल, गंदे सपने आते हैं पिता परमेश्वर, डर लगता है, भय लगता है पिता परमेश्वर। हे खुदा यीशु मसीह उनका डर भय उनके जीवन से, उनके दिल दिमागों से पिता परमेश्वर दूर हो सके पिता परमेश्वर, उनके लाइफ से बहुत 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 दूर हो सके पिता परमेश्वर, वो अच्छी जिंदगी जी सके पिता परमेश्वर, और वो तेरे पीछे चल सके पिता परमेश्वर, तेरे नाम को जान सके, तेरे नाम को पहचान सके पिता परमेश्वर, और वो तेरे पीछे मन लगा के पिता परमेश्वर चल सके, तेरे वचन के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर। जो हर मसीह अभी भी पाप में है पिता परमेश्वर, आपके खुदा यीशु मसीह समर्थित नाम से उनके जीवन से सारे शैतान के पाप पिता परमेश्वर दूर हो सके पिता परमेश्वर, और वो आजाद हो सके, आजाद हो सके यीशु मसीह आपके समर्थित नाम से, वो सारे पाप के बंधनों से खुल सके पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तो सेनाओं का यहोवा तेरा ऊंचा कर है, तो पवित्र है पिता परमेश्वर, और हम सबों को भी पवित्र बना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर। तो पापियों से बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी रास्ते में आते जाते हैं पिता परमेश्वर उनकी रक्षा मदद कर पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ तेरा
भक्त जाते हैं उनके साथ यह स्वर्ग दूत हमेशा रहते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता पुरुषे, तो सच में महान है, तो दयालु है पिता पुरुषे, तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। तूने हम पापियों के लिए पिता पुरुषा अपने पवित्र लहू बहाया है पिता पुरुषा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता पुरुषा। अपने दोनों हाथों में पिता पुरुषा आपने कीले ठुकवाए हैं पिता पुरुषा, तो सच में महान है, तू महान है पिता पुरुषा, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है पिता पुरुषा, हर एक लोग पिता पुरुषा तेरे पीछे चले पिता पुरुषा, सब सारा संसार पिता पुरुषा तेरे नाम के झंडे खड़े करे, यीशु मसीह के नाम के झंडे खड़े करे, और सारा संसार पिता पुरुषा तुझ पर विश्वास करो, तेरे पीछे चले पिता पुरुषा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता पुरुषा, जो इस समय मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पिता पुरुषा, उनको सारी बीमारियों से पिता पुरुषा, सारे रोग से पिता पुरुषा वो चंगे हो सके पिता पुरुषा, आजाद हो सके उनके सारे रोग पिता पुरुषा, आपके सामर्थ्य नाम से दूर हो सके पिता पुरुषा, उनकी लाइफ से कोसों दूर हो सके पिता पुरुषा, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके पिता पुरुषा, और वो तेरे पीछे चल सके पिता पुरुषा। प्रभु जी शैतान चाहता है कि हम सब नर्क में जाएं, लेकिन एक सच्चा परमेश्वर तो है जो हमें नर्क में जाने से बचाता है, हमें एक अच्छा मार्ग दिखाता है जो तेरा चुना हुआ है पिता पुरुषा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक मसीह पिता पुरुषा तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता पुरुषा, तेरे प्रेम में बढ़े पिता पुरुषा। प्रभु जी जो हर एक मसीह वचन पढ़ता है पिता पुरुषा, उसके जीवन में पिता पुरुषा खाली न जाने पाए पिता पुरुषा, 100 गुना फलवंत होने पाए खुदा ने सुमसी, जो वचन वो पढ़ता है 100 गुना फलवंत होने पाए पिता पुरुषा, उस वचन पढ़ने से पिता पुरुषा वो ज्ञान प्राप्त कर सके, बुद्धि की बातें प्राप्त कर सके, और तेरा प्रेम प्राप्त कर सके पिता पुरुषा। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो ठनठनाती हुई एक झांझ है, लेकिन तूने हमको प्रेम करना सिखाया है, हमें एक दूसरे से प्रेम करें, अपने समान प्रेम करें, जैसे अपनों से प्रेम करते हैं उसी तरह पड़ोसी से भी प्रेम करें, हमें एक दूसरे से प्रेम करके रहना है। सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु की यही है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करें, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हे पिता परमेश्वर, इस शाम को पिता परमेश्वर, हर एक जन को पिता परमेश्वर, सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर, हर एक मसीहों को पिता परमेश्वर, तेरे पंखों तले में छिपाती हूँ, तेरी आड़ में छिपाती हूँ खुदा यीशु मसीह, जैसे एक हिरनी नदी के जल के लिए हपती है, जैसे हर एक मसीह प्रभु जी तेरे लिए हपता है, तुझे ढूंढता है कि तू कहाँ है। हाँ पिता परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है खुदा यीशु मसीह, प्रभु जी तू हम सबों को ढूंढता है, हम सबों के दिल के दरवाजे पे तू खटखटाता है, तू अंदर आना चाहता है, हम सबों के दिल को खोल पिता परमेश्वर, खोल हमारे मन के पापों को धुलकर शुद्ध कर पिता परमेश्वर, शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि अपने अंदर पिता परमेश्वर एक पवित्र आत्मा का वास कर सकूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सबों को पाप के बंधनों से खोल दे पिता परमेश्वर, पाप के बंधनों से हम सब आजाद हो सके पिता परमेश्वर, और हम सब तेरे नाम की महिमा और जय जयकार कर सके पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई हो प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज के रात हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, यह छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ, आमीन।